हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं नाचोस, जो कि बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाचोस बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप मक्के का आटा, 4 टेबलस्पून मैदा है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल, कोई सा ऑयल ले सकते हैं, विदाउट फ्रेगनेस वाला, जो फ्लेवर नहीं हो जिसमें, वो वाला आप ऑयल लीजिए। इसको मिक्स कर लेंगे हम। हमने हल्दी इसलिए डाली है कि इसमें, क्योंकि नाचोस जो आते हैं वो थोड़े पीले होते हैं। आप अगर नहीं डालना चाहें आप ना भी डालिए, लेकिन अगर आप बाजार जैसे नाचोस बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी आप डालें तो वैसे ही बनेंगे। और ऑयल डालने से ये होगा कि ये क्रंची बनेंगे, अंदर से नरम भी रहेंगे और साथ में क्रंची भी बनेंगे। अब ये गुनगुना पानी लिया मैंने, इससे हम आटा गूंद लेंगे। हमने आटा गूंद लिया है, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त, ऐसा आटा हमने गूंदा है। इसके लिए हमें 1/4 कप पानी लगा है। अब इस आटे को हम ढक के रख देंगे, किसी भी आप कॉटन के क्लॉथ से या पोने से ढक दीजिए। हम इसको ढक देते हैं, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं ताकि आटा हमारा अच्छे से भीग जाए और मुलायम हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, हम अपना आटा देख लेते हैं। आटा एकदम नरम हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे इसके अंदर डाल के इसको और नरम कर लेंगे अच्छे से हम। आटा हमारा हो गया है, ये लोया हमने ले लिया है। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे, थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे नीचे। साइड जो है कट कर लेंगे, इसका स्क्वायर शेप दे देंगे, तो इसी में वापस डाल देंगे। इधर से भी इसको कट कर देंगे। इसमें हम कट लगा देंगे, आप चाहें छोटे बड़े जैसे भी रख सकते हैं, जैसा आप रखना चाहें, लेकिन हम इसमें ऐसे ही रखेंगे इसको। हम इसी साइज का बना रहे हैं इसको, आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। बेसिकली ये ट्रायंगल शेप होने चाहिए, नाचोस बस ट्रायंगल शेप होते हैं, आप कैसी भी शेप बना सकते हैं इसकी। इस पे फोक से कर देंगे ताकि ये फूले नहीं, क्योंकि हमें नाचोस फूले हुए नहीं चाहिए अपने। हमने गरम होना रख दिया है, तेल हमारा गरम हो गया है, मीडियम हॉट है तेल। अब इसमें डालेंगे हम नाचोस एक एक करके। लो मीडियम पे ही करेंगे हम इसको ताकि ये अच्छे से क्रिस्प भी हो जाए।
अब इसको हिलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। ताकि ये बराबर से सिकते रहें। इतने सिक रहे हैं, हम दूसरी रोटी इसकी तैयार कर लेते हैं। बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे, इसको पलट देंगे। नाचोस हो गए हैं हमारे, अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको प्लेट में निकाल लेंगे, हम साइड में कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसका। हम नाचोस के लिए मसाला बनाएंगे, सीक्रेट मसाला। इसके लेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। आप चाहें तो साबुत धनिए को भी रोस्ट करके और उसको क्रश करके डाल। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, इसको चटपटा स्वाद देने के लिए, ये और भी चटपटा मसाला बनके तैयार होगा हमारा। 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर जिसको सौंठ भी बोलते हैं, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। आप अगर मिर्च कम खाते हैं तो आप मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, हमारे नाचोस बनकर तैयार है। हमने उसे चीजी डिप के साथ सर्व किया है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया कंटेंट डालें तो आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।